हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे, जानेंगे थोड़ा आपकी लव लाइफ के बारे में, क्या हो रहा है इस समय, आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या अब तक हो गया है, पास्ट में क्या हुआ ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जितना ज़्यादा बटोरने की कोशिश करते हो उतना ज़्यादा बिखरता जाता है, जितना कोशिश करते हो समेटने की उतनी ही चीज़ें हाथ से निकल जाती है, और ये एक बार नहीं हर बार हुआ है। देखिए मुझे नहीं पता ये आपका कौन सा रिलेशनशिप था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इट डजेंट मैटर, बट एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, हर रिलेशनशिप में आपका अपना 200% देना, पर फिर भी चीज़ें लास्ट में आके कुछ ऐसे हो जाना जहाँ पे सामने वाले का आपको छोड़ के चले जाना। अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात करूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके पर्सन छोड़ के चले गए हैं, लेकिन बिना किसी रीज़न दिए, बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात अभी भी खुली किताब की तरह रह गई है। ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हो पाए उस चीज़ से, और उस चीज़ का जो सदमा है, उस चीज़ का जो उस चोट का जो निशान है अभी भी आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में है, क्योंकि आपको क्लोजर नहीं दिया गया है। मतलब उस किताब को, उस चैप्टर को बंद नहीं किया गया है, ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है। आपके मन में बहुत बार ऐसी चीज़ें आती है कि इसका मैं क्या मतलब निकालूं, इसका मतलब मैं क्या निकालूं, क्या वो पर्सन झूठ बोल रहे थे, क्या मैं ही पागल थी या था, क्या मतलब क्या था वो, धोखा, इल्यूजन, क्या था वो, था भी कि नहीं था वो, क्या था वो, मुझे क्या सिखाने के लिए था, उस चीज़ से मैं क्या मतलब निकालूं, क्या रिज़ल्ट निकलेगा, अब क्या वो कभी वापस आएंगे, क्या ये टेम्प्ररी है, क्या ये परमानेंट है, क्या इस पर्सन के मन में अभी भी मेरे लिए फीलिंग है, क्या ये फीलिंग कभी थी भी। आपके मन में ऐसे लाखों सवाल है, क्या वो अभी किसी और के साथ हैं, क्या वो कभी खुश हैं, ठीक है। पर एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आप हमेशा अपने एफर्ट्स डालते हो, वहाँ भी एफर्ट्स डालते हो जहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए है नहीं, ना ही ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी, फिर भी आप कभी भी अपना एफर्ट देना नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से सामने वाले को हमेशा ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन आप हमेशा उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहोगे। कहीं ना कहीं सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि कुछ भी कर ले आपका बर्ताव चेंज नहीं होगा, कुछ भी कर ले आपकी अच्छाई ही उनके काम आएगी हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब आपने विद्रोह किया है, जब जब आपने कोई सच्ची और कड़वी बात कही है, तो आपके पर्सन ने आपको हमेशा लड़ाई से डरा के या फिर इमोशनली आपको गलत ठहराने की कोशिश की है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप कहीं पे भी बात बोलने से 10 सोचते हो बात बोलने से पहले कि क्या मेरा पॉइंट यहाँ पे रखना सही रहेगा, क्या मेरा यहाँ पे चुप रहना सही रहेगा, क्योंकि मेरे पॉइंट को तो हमेशा गलत ही ठहरा दिया जाता है। तो ये डर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं बैठ गया है। एक चीज़ और, मुझे ऐसा लगता है कि आपके कितने भी रिलेशनशिप रहे हों, लेकिन ये जो लास्ट रिलेशनशिप जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, जिसके लिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ जो बात थी वो बहुत सीरियस लेवल पे थी। इनफैक्ट ये मान लो शादी तक भी बात चली ही गई थी, या फिर जब आप बंधन में बंधने वाले थे ठीक उसी समय से पहले, या फिर ये मान लो, हो सकता है कई लोगों के लिए रेजोनेट ना करे, आपके पर्सन ने आपसे किसी टाइप की कुछ हेल्प ली हो फाइनेंशियली या फिर फिजिकली, जब उनका मतलब निकल गया तो वो चलते बने। किस किस के साथ ऐसा हुआ है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, किस किस के साथ ये चीज़ रेजोनेट कर रही है। तो इन सभी चीज़ों के कारण ही आपके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। और एक चीज़ मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इसलिए आप किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपके मन में हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि यार अगर ट्रस्ट किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए। आप
आपके अंदर कपल्स को लेके हेट नहीं है, ये नहीं कि आप नफरत कर रहे हो, पर आपके मन में ये चीज़ हमेशा रहती है, आप फूक फूक के कदम रखते हो। दूसरों को आप अप्रिशिएट करते हो, पर जब बात आपकी आती है तो आप बहुत सावधान और चौंकन्ने हो जाते हो। इसीलिए आपने अपने दिल के चारों तरफ एक बहुत ही ऊंची दीवार बना ली है ताकि उसे कोई पार करके ना आ सके। जो भी आए उस दीवार को तोड़ के आए, कहने का मतलब है आपका दिल जीत के उस दीवार को नीचा करके आए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप ना, आपकी डिमांड्स बहुत बढ़ गई है, आप किसी कम चीज़ के लिए सेटल नहीं होंगे। पहले ऐसा होता था कि कुछ भी होने ठीक है चले हो जाएगा, मतलब मैं चलाऊंगी, मैं करूंगा, मैं लास्ट तक कोशिश करूंगी, क्यों नहीं बदलेंगे, बदलेंगे ज़रूर, बट अब नहीं। अब आप सावधान हो गए हो, अब आप अपना टाइम ये नहीं कि टीचर बच्चा खेलने में ही बिता दो, कि सिर्फ आप किसी को टीच करते रहो और बाकी आपके जो पार्टनर है वो स्टूडेंट बन के रहे। मुझे ऐसा लगता है अब आप बहुत ही, आपके अंदर क्लैरिटी आ गई है, पहले से ज़्यादा क्लैरिटी है। अब आप जान गए हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो और आप उससे कुछ भी कम मिलने पर आप बिल्कुल भी नहीं मान रहे हो। इसीलिए जहाँ पे भी आपको एफर्ट्स नहीं दिखाई देते वहाँ पे आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हो। ये टाइम आप खुद पर लगाने की कोशिश कर रहे हो, और जब भी आप ये टाइम खुद पर लगा रहे हो तो आप देख रहे हो आपके लिए ये चीज़ काम कर रही है, आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। जब जब आप दूसरों के पीछे भागते हो या फिर आपको उनकी याद आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम भी बहुत नुकसान होता है, काम का भी, और एक चीज़ और, काम का भी, टाइम का भी, और कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी नहीं लगता। इसका मतलब यह है कि आप सेल्फ के बारे में बहुत जान रहे हो कि आपको चाहिए क्या। अक्सर आप हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते रहते हो, दूसरों को ही सही राह दिखाते दिखाते आप ना एडवाइस बहुत अच्छी देते हो, लोग इसीलिए आपके पास एडवाइस के लिए आते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हो। इससे पता भी चलता है, जिन चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है उसके बारे में भी बहुत अच्छी टिप्स और एडवाइस देते हो, तो लोगों को लगता है कि आप कितने मैच्योर हो, आपकी लाइफ तो परफेक्ट होगी। पर आप ये चीज़ किसी को नहीं बताते कि आपके साथ भी एक ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से आप टूटे भी हो लेकिन बिखरे नहीं हो, आपने खुद को समेटा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपके पर्सन की आपको याद बहुत जमकर आती है और एकदम से मन करता है, आप इमेजिन करते हो सीन कि वो आएंगे, आपको ऐसे ले लेंगे बाहों में, आपकी बात समझेंगे। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता हो कि आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं या फिर वो आपके पास कभी नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको डराती भी है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो चीज़ें जैसे मैंने बोला ना, वो किताब अभी तक खुली हुई है, बंद नहीं हुई है, तो आप दोनों को क्लोजर नहीं मिला। तो जो चीज़ें आप जुड़े हुए हो, एक तो यहाँ पे पता चला टेलीपैथिकली, तो जो चीज़ वो महसूस करते हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पास ज़रूर आती है। तो आपको घबरा के, ज़रूरी नहीं है कि आप घबराओ कि ये आप ही की फीलिंग्स है, कुछ फीलिंग्स उनकी वजह से भी है। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया है हर बार, पर फिर भी इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी आपने दूसरों की ज़िंदगी संवारनी कभी बंद नहीं की, और आपको कहीं ना कहीं इससे सुकून मिलता है। आपके कोई चीज़ बताने से या फिर किसी के हेल्प करने से, किसी की भी हेल्प करने से, किसी का अगर कोई काम बन जाता है स्पेशली मोटिवेट करने से, या फिर कोई चीज़ उनको गाइड कर देने से उनके रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग बोलते हैं आपके बारे में और बहुत लोग आपसे प्रेरणा भी लेते हैं, उनको लगता है आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता होगा, तो वो पूछते भी, यार तुम ये सब कैसे करते हो। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जब भी आपसे कोई पूछता है, जब भी आपको कोई देखता है, तो उनके मन में एक उत्सुकता आती है आपको जानने की। तो लोग ऐसे पूछते हैं कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। कोई ये चीज़ मान ही नहीं सकता आपको देख के, जिस तरीके से आप परफेक्ट इमेज में हो ना, कोई चीज़ कोई भी इंसान मान ही नहीं सकता कि आप सिंगल हो। लेकिन ये भी याद रखना, इंटेलिजेंट पीपल आर ऑलवेज सिंगल। तो ये चीज़ बुरा फील करने की नहीं, ये चीज़ जश्न मनाने की है। कमिटेड पीपल आर ऑल्सो हैप्पी, बट कमिटेड तभी हैप्पी होते हैं जब वो राइट पर्सन के साथ हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ऐसे कोई जल्दी नहीं है,
ठीक है, आप खुद को टाइम दे रहे हो, खुद को टाइम देना चाहते हो जस्ट बिकॉज सामने वाला आपको पसंद करते हैं और सामने वाला चाहता है कि आप इनके साथ जाओ, डजंट मीन कि आपको जाना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बखूबी समझ रहे हो और आपके अंदर जो आपके माइंडसेट में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया है, क्या चीज़ मेरे लिए सही है और क्या चीज़ मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, किसे टाइम देना है किसे नहीं देना। और आप ना एक तरीके से ये चीज़ सीख रहे हो धीरे धीरे कि कैसे बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। कुछ भी हो जाए, जो भौंक रहा है, जो बोल रहा है, उनको बोलने देना है, क्योंकि आपको पहले इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता था, चाहे वो फ्रेंडशिप में भी हो कि अगर किसी फ्रेंड ने कोई चुगली कर दी या पीठ पीछे कुछ बोल दिया तो आपके हफ्ते दिन महीने उसमें चले जाते थे, आप खुद को बहुत कोसते थे, मतलब आप बहुत कोशिश करते थे कि दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को ढालने की। पर आप जो अब खुद पर आ गए हो और खुद को इतनी तवज्जो दे के आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना, ये काबिल तारीफ़ है, अमेजिंग, मार्वलस। आपके पर्सन के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आपके पर्सन आपको जिस तरीके से देखते हैं ना, उनकी नज़र से आप खुद को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। इनफैक्ट आपके सामने आपके पर्सन बहुत ही लो कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए कम है और आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो, और यहाँ आप डरे जा रहे हो कि आपकी गलती है, आपकी गलती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, साफ पता चल रहा है। यहाँ पे अगर आप दोनों की लव स्टोरी में ट्विस्ट आया है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान है आपके पर्सन का। जो भी अभी तक आपके पार्टनर रहे हैं या फिर जो भी लोग आपको लाइक करते थे अभी तक और आप उनको मिले नहीं हों, आप उनको जाके पूछो, आप जानोगे कि आपकी क्या वैल्यू है। जो आपको नहीं पा पाए हैं अभी तक, उनको पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि किस कदर वो आपकी एक झलक के लिए, आपकी एक बात सुनने के लिए, आपकी एक आवाज़ के लिए अभी भी तरस जाते हैं। पर कभी भी इनको ऐसे नहीं लगा कि आपके अंदर एटीट्यूड है या फिर आप ईगो है या भाव खा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। जितना ही आपके पास जाते हैं, जितना ही आपको जानने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा ही आपके प्यार में पड़ते जाते हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्स एंड डाउन्स का जो साइकिल है, ये फाइनली अब एंड होने जा रहा है और एक न्यू साइकिल शुरू होने जा रही है। अब ये न्यू साइकिल कौन सी होगी, जानने के लिए देखते रहिए ये रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, देख कर ज़रूर जाइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके, कॉमेंट कर और अपना प्यार देके भी ज़रूर जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।